For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सिलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर दे रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन हैड प्रमोटेड मनी करने का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ। मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी। मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुँह पर कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूँगी, एक एक को एक्सपोज करूँगी। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच।